श्रीराधारानी ब्रज सीमा परिक्रमा मान मंदिर बरसाना 2011 का 29वां पड़ाव दिनांक 9 को चतुर्दशी तिथि बुधवार के दिन सबला गांव में पड़ा हुआ है। आज हम लोग सौंख गांव होते हुए यहां आए। सौंख गांव का बहुत लंबा इतिहास है। कृष्ण समय में ब्रज में जितने भी गांव थे उन सभी गांवों में ठाकुर जी ने लीला की और उनकी लीला अनुसार उन गांवों का नाम भी अलग था। अब तो सभी गांवों का नाम अब अपभ्रंश हो गया। जैसे यहाँ के आसपास के गांव हैं, पेठा गांव जिसका कृष्णकालीन नाम था शक्रवर्ती, बच्च गांव का नाम वत्सवन था, कोथरा ग्राम का नाम सीमांतवन था, सामई खेरा का नाम कृष्ण समय में सूर्य पतन वन था, डोमपुरा गांव भी है यहाँ पास में जिसका नाम प्रगति वन था, बेरुपा गांव का नाम स्वस्थिति वन था, और आज जहां हम लोग सबला गांव में बैठे हुए हैं इस गांव का प्राचीन नाम चैत्र वन है। सौंख नाम सौंख जहां आज हम लोगों की यात्रा गई थी उस गांव के बारे में दो मत प्राप्त होते हैं। एक मत तो यह है कि सौंख गांव शंखचूड़ नामक यक्ष का निवास स्थान था, उसका यह गांव था। शंख का ही अपभ्रंश हुआ तो सौंख नाम हो गया। ये शंखचूड़ कौन था? भागवत जी में तो इसकी कथा संक्षेप में मिलती है, किंतु अन्य पुराणों में जैसे गर्ग संहिता जी हैं, ब्रह्म वेवर्त है, इनमें शंखचूड़ की कथा का उल्लेख विस्तार से मिलता है। यहां इस क्षेत्र में सभी दैत्यों के गांव थे, जैसे पूतना का खेचरी गांव था, बकासुर का गांव बाकल था, व्योमासुर का गांव गढ़वन था जिसे वर्तमान में शेरगढ़ कहते हैं, अघासुर का पसोली गांव था, और दंत वक्र के गांव का नाम दतिहा था। वैसे ही सौंख गांव जो था यह शंखचूड़ नाम के यक्ष का गांव था। शंख से ही अपभ्रंश होके उसका नाम सौंख पड़ गया। ये शंखचूड़ श्रीदामा नामक गोप था
जो श्री जी के श्राप के कारण इसे यक्ष बनना पड़ा। गर्ग संहिता में इसकी कथा मिलती है कि एक बार श्री कृष्ण रास करते हुए लौह जंग वन में गए, लौह वन जिसे कहते हैं, लौह जंग वन में जब प्रभु गए तो वहां शंखचूड़ नामक यक्ष आया। ये ऐसा शक्तिशाली यक्ष था, इतना बलवान था कि इसे अपने टक्कर का योद्धा संसार में कोई नहीं मिला। एक बार इस यक्ष ने नारद जी से पूछा कि देवर्षे, मुझे मेरे टक्कर का कोई योद्धा बताए, मेरे भुजाओं में बल के कारण खुजली हो रही है। बहुत शक्तिशाली था। तो नारद जी ने शंखचूड़ को कहा, शंखचूड़, तेरे समान योद्धा तो मुझे भी कोई पृथ्वी में दिखाई नहीं देता। हां, लेकिन एक योद्धा अवश्य मेरी नजर में है। तो शंखचूड़ बोला, देवर्षे, आप जल्दी से उसका नाम बताएं। तो नारद जी बोले, उसका नाम कंस है। कंस तुमसे युद्ध कर सकता है और उसके साथ जब तुम युद्ध करोगे तो निश्चित तुम संतुष्ट भी हो जाओगे। तो नारद जी से सारा पता ठिकाना लेकर शंखचूड़ मथुरा पहुंचा। वहां मथुरा पहुंचकर उसने महाराज कंस को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैंने आपके पराक्रम के बारे में बड़ी प्रशंसा सुनी। आप त्रिलोक विजयी हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी भुजाओं में जो युद्ध करने की खुजार हो रही है, उस खुजार को आप युद्ध से मुझे संतुष्ट कर सकते हैं। आप जरा बाहर आकर मेरे साथ गदा युद्ध करो, लेकिन एक शर्त है कि यदि युद्ध में मैंने आपको हरा दिया तो आप जन्म भर के लिए मेरे दास बन जाएंगे, और यदि आपने मुझे हरा दिया तो मैं आपका दास बन जाऊंगा। दोनों में ये शर्त हो गई। उसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ही बड़े टक्कर के योद्धा थे, बड़े बलवान थे। लगातार 27 दिन तक युद्ध होता रहा। ना शंखचूड़ ही कम पड़ा, ना कंस कम पड़ा। अंत में कंस ने शंखचूड़ को पकड़कर आकाश में 100 योजन ऊंचा फेंक दिए। वहां से जब शंखचूड़ गिरा तो थोड़ा सा व्याकुल हो गए। उसके बाद शंखचूड़ ने कंस की दोनों भुजाओं को पकड़कर इतनी जोर से आकाश में उछाला कि वो 10,000 योजन ऊपर पहुंच गए। वहां से जब कंस गिरा तो उसे भी कुछ व्याकुलता का अनुभव हुआ। कंस ने शंखचूड़ को पृथ्वी पर पटका, शंखचूड़ ने कंस को पटका। दोनों का शरीर ऐसा वज्र की तरह था कि यदि आपस में शरीर में गदाएं टकरा जाती तो गदा ही चूर चूर हो जाती। बहुत सी गदाओं को चूर चूर कर दिया। उसके बाद दोनों में मुक्के से प्रहार होने लगा। जब घूसे से युद्ध होने लगा तो सारी पृथ्वी कांप उठी। पृथ्वी को कांपते हुए देखकर मुनीन्द्र सर्वविद साक्षात गर्गाचार्य समागत है। गर्गाचार्य जी ने विचार किया कि ये दोनों तो बलवान योद्धा है, इनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये सारी दुनिया मर जाएगी, सारी पृथ्वी कांप रही है। तो गर्गाचार्य जी इनके युद्ध को बंद कराने के लिए पहुंचे। गर्गाचार्य जी ने कंस को कहा कि कंस, मैं तुम्हारी शक्ति को जानता हूं। एक बार तुमने ऐरावत हाथी के मस्तक पर मुक्का मारा था,
जिससे वह मूर्छित हो गया था, उसने तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए थे। बहुत से दैत्य तुम्हारे मुक्के से मृत्यु के ग्रास बन गए, लेकिन एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूं कि ये शंखचूड़ जो है, तुम यदि जीवन भर भी इससे युद्ध करोगे तो भी तुम इसे धराशायी नहीं कर पाओगे। और शंखचूड़, तुम भी कंस के साथ जीवन भर लड़ते रहोगे तो भी तुम कंस को हरा नहीं पाओगे, तुम दोनों टक्कर के योद्धा हो। कंस इस संसार में, तू जानता है कि तेरा काल कौन है? देवकी का आठवां लड़का है, जिसने गोकुल में जन्म ले लिया है, और वो कृष्ण ही इस शंखचूड़ का भी काल है। कृष्ण के हाथों ही तेरा भी वध होगा और कृष्ण के हाथों ही शंखचूड़ का भी वध होगा, तुम दोनों का काल एक है। तो जब दोनों का काल एक है तो तुम दोनों को आपस में परस्पर ना कोई हरा सकता है ना मार सकता है, तो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों आपस में मित्रता कर लो और कृष्ण को समाप्त करो। क्योंकि गर्गाचार्य जी ने तो ये बात इसलिए कही थी, वो चाहते ही थे कि किसी भी प्रकार से ये शंखचूड़ भी कृष्ण से बैर करे और भगवान उसका वध करे, उद्धार करे। तो शंखचूड़ ने गर्गाचार्य जी के साथ, वहां देवर्षि नारद जी भी आए हुए थे, वह नारद जी से पूछा कि देवर्षि ये कृष्ण कौन है, कहां रहता है, आप जरा मुझे इसका पता ठिकाना बताओ जिससे जाकर मैं अपने काल को समाप्त करूं। शंखचूड़ और कंस परस्पर गले मिले और दोनों ने मित्रता कर ली। नारद जी ने बताया, शंखचूड़ इस समय रात है इसलिए भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। तो शंखचूड़ ने पूछा, देवर्षि ये रास क्या होता है? तो नारद जी ने कहा कि वे भगवान हैं, ब्रज गोपियों के साथ गान और नृत्य करते हैं। शंखचूड़ सुनकर बड़ी जोर से हंसा, बोला ये कृष्ण नाचता भी है, ऐसा पहलवान तो पहली बार देखा है जो नाचता भी है और पहलवानी भी करता है, मैं अवश्य जाकर उसके साथ युद्ध करूंगा। शंखचूड़ ने कंस को कहा, मित्र तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं आज तुम्हारे और अपने दोनों के काल को समाप्त करके ही यहां लौटूंगा। कंस ने कहा, शंखचूड़ ये तो तुम्हारा बड़ा उत्तम विचार है। उसके बाद शंखचूड़ जहां भगवान ब्रज गोपियों के साथ महाराज कर रहे थे वहां पहुंचा, उसने वहां जाकर श्री ठाकुर जी के दर्शन किए, देखा हाथ में वंशी है, बाई भुजा राधा रानी के कंधे पर सुशोभित हो रही है, चरणों को स्वेच्छा से टेढ़ा करके खड़े हुए हैं, उनका भ्रूमंडल राशि राशि कामदेवों को भी मोहित करने वाला है, श्री राधया अलंकृत वाम बाहम स्वच्छंद वक्रीकृत दक्षिणांध्रम वंशी धर्म सुंदर मंदहासम भ्रूमंडलैर मोहित काम राशि। जो प्रभु ब्रज गोपियों के साथ नृत्य करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शंखचूड़ ने देखा कि बड़ी सुंदर सुंदर वहां गोपियां थी, सोचने लगा ये तो बड़ी सुंदर स्त्रियां हैं, चलो युद्ध तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं से एकाध स्त्री को उठाकर ले जाऊं, बाद में युद्ध देखा जाएगा, क्योंकि ऐसी सुंदर स्त्रियां तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। शंखचूड़ ने उसी समय शत चंद्राना नाम की गोपी को वहां से उठा लिया। शत चंद्राना उसका नाम था, जो सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांति से युक्त थी, 100 चंद्रमा एक साथ निकले ऐसी कांति वाली वो गोपी थी। उसको लेकर वो भागने लगा, वो कृष्ण बलराम को पुकारने लगी। तब ठाकुर जी ने उसको मुक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा शाल का वृक्ष उठाया। शाल का वृक्ष उठाकर
प्रभु उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। गोपियां कृष्ण को रोकने लगी, कृष्ण तुम वहां मत जाओ, ये बड़ा भयानक दैत्य है। व्याघ्रननम कृष्ण वर्णम ताल वृक्ष दशोच्छतम भयंकरम लला जिह्वम दृष्ट्वा गोप्योति तत्र सु। उसका ऐसा भयानक रूप था कि 10 ताड़ के पेड़ के बराबर तो उसकी ऊंचाई थी। कृष्ण वर्णम काले रंग का था। बड़ी सी जीव को बाहर निकालता हुआ बाघ के समान उसका मुंह था। जब गोपियों के सामने आया तो सब गोपियां उसके रूप को देखकर भयभीत हो गईं। लेकिन ठाकुर जी शत चंद्राना गोपी को लेने के लिए उसका पीछा करने लगे। उसने देखा कृष्ण की ओर कि बड़े वेग से कृष्ण आ रहे हैं, तो सोचने लगा, लगता है ये केवल नचकैया ही नहीं है, ये तो कोई वीर मालूम पड़ता है। ऐसा भागा ठाकुर जी को देखकर भयभीत होकर कि हिमालय की घाटी में चला गया। लेकिन वहां तक भी प्रभु ने पीछा किया। वहां जाकर उसने शतचंद्राना को तो छोड़ दिया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने शाल के वृक्ष को उखाड़ लिया। परस्पर युद्ध होने लगा। कभी वृक्षों का प्रहार करते, कभी घूसों का प्रहार करते। शंखचूर ने ठाकुर जी को कई मुक्के मारे और सामने खड़ा होकर गर्जना करने लगा। उसके बाद ठाकुर जी ने शंखचूर को पृथ्वी पर पटक दिया। उसके गिरने मात्र से सारी पृथ्वी कांपने लगी। तब श्री कृष्ण ने विचार किया, अब अधिक युद्ध खेलना ठीक नहीं है, पृथ्वी कांप रही है, तो भगवान ने उसका वध करने का निश्चय किया। अंत में प्रभु ने उसके मस्तक पर एक इतनी जोर से मुक्के का प्रहार किया कि एक ही मुक्के में उसका जो मस्तक था वो धड़ से अलग हो गया, उसका प्राणांत हो गया। उसके मस्तक पर जो चमत्कृत चूड़ा मणि थी उसको भगवान ने ले लिया। जैसे कोई पुण्यात्मा पुरुष कहीं से निधि प्राप्त कर लेता है, वैसे भगवान ने उसके मस्तक से चूड़ा मणि को प्राप्त किया। उसके बाद उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वो ब्रज में श्री दामा गोप के शरीर में विलीन हो गई। ब्रह्म वैवर्त में भी शंखचूर की कथा विस्तार से मिलती है। ये तो गर्ग संहिता के अनुसार आप लोगों ने सुनी, ब्रह्म वैवर्त के अनुसार भी संक्षेप में सुन लो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस कथा का उल्लेख ऐसे मिलता है कि सतयुग में एक राजा हुए हैं जिनका नाम वृषध्वज था। ये वृषध्वज राजा बड़े भारी शैव थे, शिव भक्त थे। शिव भक्त होने के कारण भी कभी कभी मनुष्य अनन्यता के धोखे में संकीर्ण बन जाता है। इनके अंदर एक दोष था कि ये भगवान नारायण और लक्ष्मी जी के पूजन से बड़ा चिढ़ते थे, उसे द्वेष करते थे। जो भी कोई लक्ष्मी पूजा करता उसे बंद करा देते थे, क्योंकि वहां के राजा थे। अब राजा जो कहेगा प्रजा को करना पड़ेगा, तो जहां भी लक्ष्मी पूजा होती उसे बंद करा देते, भगवान नारायण की पूजा होती उसे बंद करा देते। केवल एक ही आदेश था कि केवल हमारे राज्य में भगवान शिव की ही पूजा हो। एक दिन भगवान सूर्यदेव कुपित होकर उन्होंने राजा वृषध्वज को शाप दे दिया कि तुम संकीर्णता कर रहे हो, जाओ भगवान से ही द्रोह करते हो, तुम श्रीहीन हो जाओ। सूर्यदेव के शाप से उसी समय वृषध्वज श्री से हीन हो गए। जब वृषध्वज श्री से हीन हो गए तो भगवान शिव सूर्य को मारने के लिए त्रिशूल लेकर दौड़े कि इसने मेरे भक्त को शाप कैसे दिया। भगवान सूर्यदेव ने देखा महादेव क्रोधित हो गए हैं तो भयभीत हुए, अपने पिता कश्यप जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वहां जाकर बार बार उन्होंने ब्रह्मा जी से रक्षा के लिए प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो
भगवान शिव के क्रोध को वो काबू में करना तो बहुत कठिन है, चलो हम सब चलकर भगवान नारायण की शरण लेते हैं। वैकुंठ में प्रभु की शरण लेने के लिए गए, वहां पहुंचे तो भगवान ने उनको अभयदान दे दिया कि तुम चिंता मत करो, भयभीत ना हो, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उतने में ही भगवान शिव पीछा करते हुए त्रिशूल लेकर, उनकी क्रोध में लाल आंखें हो रही थी, जैसे ही सूर्य को मारने के लिए दौड़े, देखा सामने भगवान नारायण है, तो उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। उसके बाद सूर्य, कश्यप और ब्रह्मा जी, इन तीनों ने वहां भगवान शिव की स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर उनका क्रोध शांत हुआ। तब भगवान नारायण ने शिव जी से कहा, शंभो, तुम सूर्य को मारते क्यों हो? तो भगवान शिव ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं, इसने मेरे भक्त को श्रीहीन कर दिया, उसे शाप दे डाला। तो भगवान ने वहां हंसते हुए कहा, शंभो, इस समय तुम्हारा भक्त वृषध्वज पृथ्वी पर नहीं रहा, क्योंकि वैकुंठ में तो केवल आधी घड़ी ही व्यतीत हुई है, लेकिन पृथ्वी पर 21 युग बीत गए हैं। इस समय पृथ्वी पर ना वृषध्वज हैं और ना उनके पुत्र रथध्वज हैं। रथध्वज के दो पुत्र हैं, जिनमें से एक का नाम धर्मध्वज है और एक का नाम कुशध्वज है। तुम जाओ और उन दोनों को कहो कि वे श्री की उपासना करें, लक्ष्मी जी की उपासना करें, क्योंकि वृषध्वज ने लक्ष्मी का अपराध किया है, उनकी पूजा बंद कराई है, इसलिए वो श्री से हीन हो गए। यदि उनके पौत्र धर्मध्वज और कुशध्वज ये दोनों लक्ष्मी जी की उपासना करेंगे तो पुनः उनको श्री की प्राप्ति हो जाएगी। तब वहां भगवान शिव के कहने से उन दोनों ने, धर्मध्वज और कुशध्वज ने, श्री जी की उपासना की श्री की प्राप्ति के लिए। उस उपासना से धर्मध्वज ने एक पुत्री को जन्म दिया जो कि श्रीजी का अंश थी, उसका नाम वेदवती था। वेदवती ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पुष्कर तीर्थ में जाकर एक मन्वंतर यानी 30 करोड़ वर्ष तक तपस्या की। तब करते करते जब करोड़ों वर्ष बीत गए तो वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे देवी, तुम जिस इच्छा को लेकर तप कर रही हो, वो इच्छा तुम्हारी इस जन्म में पूर्ण नहीं हो पाई। तुम्हें इस जन्म में भगवान पति रूप में प्राप्त नहीं हो सकते हैं, दूसरे जन्म में अवश्य वे तुम्हें पति रूप में मिल जाएंगे। तो ये सुनकर वेदवती जो थी वो नाराज हो गई, बोली, नहीं, मुझे इसी जन्म में अपने तपोबल से प्रभु पति रूप में चाहिए, मैं दूसरा जन्म लेना ही नहीं चाहती हूं। तो वेदवती जी प्रभु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पुनः वहां तपस्या करने के लिए बैठ गई। तो जहां वे तप कर रही थी, एक दिन वहां रावण पहुंचा। रावण ने वेदवती जी को देखा, श्री जी की अंशा थी, तो उनका रूप देखकर वो मोहित हो गए। मोहित होकर बोला, हे देवी, तुम कौन हो, किस लिए यहां तप कर रही हो? ऐसा कहते हुए उसने जैसे ही उनका हाथ पकड़ा तो वेदवती जी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध होकर, क्रोध में आकर ऐसी जोर की हुंकार भरी कि उस हुंकार में रावण को जड़ कर दिया। अब रावण का ना हाथ हिल पाया, ना उसकी उंगली उठ पाई, ना उसकी पलक गिर पाई, जड़ की भांति हो गए। तब उसे जड़ हुआ देखकर वेदवती जी को दया आ गई। रावण बोल तो सकता नहीं था क्योंकि उसकी वाणी भी जड़ हो गई थी। तब वहां रावण ने मन से उनकी स्तुति की कि हे देवी, मेरे से अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करो। लेकिन वेदवती जी ने क्रोध में आकर रावण को शाप दे दिया कि हे गरात्मन, तूने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे शरीर का स्पर्श किया है,
इसलिए तेरे से स्पृष्ट शरीर को मैं अब नहीं रख सकती हूं। इस शरीर को मैं अभी छोड़ दूंगी, लेकिन मेरे द्वारा ही तेरा और तेरे बंधुओं का नाश होगा। ऐसा वेदवती जी ने रावण को शाप दे दिया। यही वेदवती जी फिर अगले जन्म में सीता जी हुई। जब रावण इनका हरण करने के लिए आया तो वहां मायामयी सीता प्रकट हुई। जो असली सीता थी उनको अग्नि ने छिपा लिया और मायामयी सीता का रावण ने वह हरण किया। इसके बाद जब रावण का वध हो गया तो जो असली सीता थी उनको अग्नि ने वापस लौटा दिया, पर जो मायामयी नकली सीता थी अब वो कहां जाए। तब वहां भगवान राम ने उनको कहा कि हे मायामयी सीता, तुम पुष्कर तीर्थ में जाओ और वहां जाकर तपस्या करो। मायामयी सीता ने वहां जाकर तप किया, इससे वो स्वर्ग की लक्ष्मी बन गई। स्वर्ग की लक्ष्मी बनने के बाद ये ही फिर द्रौपदी हुई, इसलिए द्रौपदी को त्रिहायणी कहा गया, क्योंकि सतयुग में ये वेदवती थी, त्रेता युग में ये ही छाया सीता हुई और द्वापर में ये ही द्रौपदी हुई। इस तरह से ये कुशध्वज की पुत्री थी, लेकिन धर्मध्वज ने भी श्री जी की उपासना की थी तो उसे भी एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम तुलसी था। तुलसी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके रूप की तुलना संसार में नहीं की जा सकती थी, इसलिए उनका नाम तुलसी था। ये गोलोक में रहती थी, राधा रानी के शाप के कारण इनका भी पृथ्वी में अवतरण हुआ। एक बार ये भी तप कर रही थी तो ब्रह्मा जी वहां आए। ब्रह्मा जी ने कहा देवी कोई वरदान मांगो, तो तुलसी जी ने ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्मन, मैं तो गोलोक की गोपी हूं, श्री जी के शाप से यहां पृथ्वी में मेरा अवतरण हुआ है, लेकिन मुझे भगवान श्री कृष्ण का वरदान है कि मुझे भगवान विष्णु पति के रूप में प्राप्त होंगे और मैं इसी इच्छा को लेकर यहां तपस्या कर रही हूं। तब वहां ब्रह्मा जी ने कहा देवी इस जन्म में तुम्हें भगवान विष्णु नहीं मिलेंगे, इस जन्म में तो तुम्हारा पति श्री कृष्ण का ही जो अंश है जिसका नाम शंखचूड़ है वो तुम्हारा पति होगा। उसके बाद नारायण तुम्हें शाप देंगे, तब तुम उनके शाप से वृक्ष बन जाओगे, फिर तुम भी नारायण को शाप दोगी, वे तुम्हारे शाप से पत्थर बन जाएंगे। वृंदावन में तुम तपस्या करोगी, तुम्हारे ही नाम से वृंदावन बनेगा और उसके बाद तुम श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लोगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी जी को राधा रानी का एक षोडशाक्षर मंत्र दिया, कहा कि तुम दिन रात इसका जाप करो, इसके प्रभाव से तुम उन्हीं के समान हो जाओगी। शंखचूड़ जो सुदामा गोप था, ये शंखचूड़ राधा रानी के शाप से ही यक्ष बना था। ये शंखचूड़ ही भगवत इच्छा से तुलसी का पति बना। ब्रह्मवैवर्त में तो इसकी कथा बहुत विस्तार से मिलती है, लेकिन संक्षेप में इतना ही समझ लो कि सौंक गांव जो है वो शंखचूड़ का ही निवास स्थान है। ब्रह्मा जी की इच्छा से शंखचूड़ और तुलसी का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने तुलसी को कहा कि हे देवी तुम शोक ना करना, इस समय भगवान का ही ये रचा हुआ विधान है, ये जीवन तुम्हें शंखचूड़ के साथ ही निभाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें कृष्ण प्राप्ति होगी। एक बार शंखचूड़ ने सारी त्रिलोकी को जीत लिया, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। देवता भगवान शिव की शरण में गए तो भगवान शिव ने उनकी सहायता की। भगवान शिव शंखचूड़ को मार नहीं सकते थे क्योंकि उसके पास कवच था। जो उसकी पत्नी थी तुलसी, ब्रह्मा जी ने वो षोडशाक्षर नाम का जो राधा रानी का मंत्र दिया था वो उसका जाप किया करती थी, और उसी आराधना के प्रभाव से शंखचूड़ को
भगवान शिव भी मार नहीं पाए थे। यद्यपि उस समय भगवान शिव के साथ भगवती काली, स्वामी कार्तिकेय जी, अनेकों पार्षद भी थे, लेकिन उस युद्ध में वे शंखचूड़ का बाल बांका भी नहीं कर पाए। तब शंखचूड़ का रूप बना के स्वयं भगवान तुलसी के यहां गए और वहां जाकर उन्होंने उसके पातिव्रत को नष्ट कर दिया। पातिव्रत जब उसका नष्ट हो गया, तब भगवान ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को इस बात का पता चला कि भगवान ने मेरा पातिव्रत नष्ट किया है, तो उन्होंने प्रभु को शाप दे दिया कि जाओ आप पत्थर बन जाओ। उसी समय भगवान शालिग्राम रूप में हो गए। फिर प्रभु ने तुलसी को शाप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष रूप में हो जाओ। भगवान ने शंखचूड़ का वध किया, इसलिए वो शंख आज तक भी प्रभु की सेवा पूजा में शंख को प्रवेश मिला। तो ये कथा ब्रह्म ऐवर्त के अनुसार शंखचूड़ की आप लोगों ने सुनी। शंखचूड़ यही सोंख का रहने वाला था, उसका यही निवास स्थान था। शंखचूड़ का गांव था सोंख, उसी के नाम से ये गांव पड़ा। शंख से अपभ्रंश हुआ तो उसका नाम सोंख पड़ा। अब जहां आज हम लोगों का पड़ाव है, सबला गांव है। सबला गांव का कृष्णकालीन नाम चरित्र वन है। यहां की कथा सूत्र रूप में भागवत जी में भी मिलती है कि यहां इस गांव में, इस क्षेत्र में ठाकुर जी ने विचित्र चरित्र किया, जिसके कारण इसका नाम चरित्र वन हुआ। भागवत जी में उल्लेख मिलता है, एवं निगूढ़ात्म गति स्वमाय गोपात्म जत्वं चरितैज विडंबयन रेमे रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम्य ही समम ग्राम्य वदीश चेष्टतः। भगवान ने यहां इस भूमि में, यूं तो सारे ब्रज में ही अपनी प्रभुता को छिपाकर, भगवत्ता को छिपाकर लीला की, किंतु इस गांव में निगूढ़ात्म गति ही स्वमाया, अपनी माया को, योग माया से अपने स्वरूप को भगवान ने छिपाकर यहां लीला की और चरितैर विडंबयन विशेष चरित्र किया। गोपात्म जत्वम गोप बालक का रूप बनाकर यहां भगवान ने ऐसा विचित्र चरित्र किया कि उस चरित्र के कारण ही इसका नाम चरित्र वन हुआ। ग्राम्यवत शब्द आता है, गवारों की तरह यहां भगवान ने लीला की। तो गवार वन के उन्होंने क्या लीला की, वो लीला अष्टछाप के महाकवियों ने गाई है। गवार बनकर ठाकुर जी ने लीला की कि एक दिन जानबूझकर ठाकुर जी ने श्री जी से लड़ाई कर ली, जबकि श्री जी से उनका बड़ा प्रेम रहता, लेकिन ग्राम में वह गवारों की तरह श्री जी से यहां लड़ाई कर ली और जाकर यशोदा मैया से श्री जी की शिकायत करने लगे। पहले तो यशोदा जी ने श्री कृष्ण को कहा, कन्हैया रोजाना गोपियां तेरी शिकायत लेकर आती हैं, तू बरसाना क्यों जाता है? तो ठाकुर जी बोले, मैया ये गोपियां तो झूठी हैं, सदा से मेरी शिकायत करती आई हैं, झूठ बोलती हैं, मेरी झूठी शिकायत करती हैं। मेरी तो राधा से लड़ाई चल रही है, इसलिए मुझे तो बरसाना का नाम सुनना भी पसंद नहीं है, मैं बरसाना कैसे जाऊं? तो यशोदा मैया ने शंकर कहा, कन्हैया राधा से तेरी लड़ाई कैसे हो गई? तो ठाकुर जी बोले, मैया राधा बड़ी लड़ेहारी है, मेरे ऊपर झूठे झूठे लांछन लगाती है। कभी तो कहती है तू चोर है, कभी कहती है तू हमारा चित्त चोर है, कभी कहती है तू चीर चोर है, तो बहुत से लांछन लगाती है, इसलिए मैंने उससे लड़ाई कर ली। और लड़ाई के कारण वह ऐसी बोले कि वाके बोले से, वाके भय से मैंने बरसाने जाना हूं छोड़ दिया। तू एक बार मेरे साथ बरसाने चल और राधा को ने डांट के तो आ, वो रोजाना मोते लड़ाई करे। तो जैसे गांव में बच्चे खेलते हैं, लड़ाई हो जाती है तो माँ बाप से शिकायत करते हैं, फिर माँ बाप दूसरे बच्चे के माँ बाप से लड़ाई करने जाते हैं, तो वैसे ही भगवान भी यहाँ ग्राम में
गवारों की तरह लीला करने लगे। यशोदा मैया को हाथ पकड़कर बोले, चल मैया राधा को डांट के आ, वो बड़ी लड़ियारी है, वो से रोज ही ना लड़े। तो यशोदा मैया ने कही, कन्हैया मैंने तो तेरे ऊपर अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया है, तू मेरा बड़ा लाडला बेटा है, चल आज मैं राधा को ठीक करके आऊंगी कि वो मेरे कन्हैया से क्यों लड़े। तो यशोदा मैया बरसाने पहुंचती हैं, देखा वृषभानु भवन में बहुत सी गोपियां खड़ी हुई हैं, तो जाकर बोली, कन्हैया बता इनमें से कौन सी राधा है, कौन सी तोते लड़े। तो यही लीला अष्ट छाप के महाकवियों ने गाई। यही वो लड़िहारी राधा है जो मेरे साथ रोज यहाँ लड़ाई करेगी।
सुंदर है और बड़ी रूपवान है। याय अपनी सुंदरता को ऐसा गुमान है कि जासो मन करे वही ते झगड़ो कर ले, जासो मन करे वही ते लड़ ले। तो अपने रूप के गुमान में आके ये मेरे सो रोज लड़ाई करे। तो मैया आज तो या को जरा डांट दे, या को नेक डांट दे जाते ये मोते लड़ाई करनो छोड़ दे। नीलांबर पहरे तन गोरी, नीलांबर पहरे तन गोरी, भैया देखने में तो ये बड़ी सूदी लगे पर तू यार सूदी मत समझियो। यशोदा मैया ने पूछा तो एक कैसी है, तो ठाकुर जी बोले चंचल चपल खरी मैया, चंचल चपल बहुत सी ठाड़ी है, तू मेरे सामने हाथ पकड़ के ला
आज मैं तेरे सबरों दुख मिटा दूंगी, तू मेरे सामने आए खड़ी कर दे जो तोते लड़े। देख लियाओ मेरे मुख आगे, कर दूंगी तेरे सब दुख दूर कर दूंगी। काढ़ो दुख सबरी, काढ़ो दुख सबरी, काढ़ो दुख सबरी कन्हैया, कर सकते थे सब शिकायत की, लेकिन जब यशोदा मैया के आगे ठाकुर जी ने श्री जी का हाथ पकड़कर आगे खड़ा कर दिया कि मैया यही वो लड़िहारी राधा है जो मोसों रोज यहाँ लड़े। जिस समय यशोदा मैया ने राधा रानी का मुख दर्शन किया, राधा रानी को देखा, तो आई तो गुस्से में थी कि देखो मेरे कन्हैया सो मेरे बारे से लाडले सो कौन लड़े कौन झगड़ो करे रोज रोज। लेकिन जैसे ही श्री जी की मुख छवि का दर्शन किया तो वहाँ क्रोध की जगह प्रेम छा गया। कृष्ण की जो जितनी भी वकालत थी वो सारी व्यर्थ चली गई। यशोदा मैया ने जब श्री जी को देखा, परमानंद प्यारी मुख निरखत, प्यारी मुख निरखत, परमानंद प्यारी मुख निरखत, प्यारी मुख निरखत। श्री जी का दर्शन करके बिसर गई ऋषरी, जितना क्रोध था सब मैया भूल गई और यशोदा मैया ने श्री जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। बिसर गई ऋषरी, बिसर गई लड़ी।
कर गई। यशोदा मैया बिसर गई बिसरी, क्रोध की जगह वहां प्रेम का आविर्भाव हुआ। यशोदा मैया ने श्री जी को बढ़कर गोद में ले लिया और ठाकुर जी को बोली, कन्हैया ये राधा कहूं तो ते लड़ सके, रोजाना गोपी तेरी शिकायत करने आती हैं, तूने जो जो भी शिकायत श्री जी की राधा की वो सारे अवगुण तेरे अंदर भरे हुए, तो निश्चित गोपियों के घर चोरी करने जाता है और गोपियां रोजाना तेरी शिकायत करने आती हैं, लेकिन राधा का ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो तेरे साथ लड़ाई करे, तेरे साथ झगड़ा करे। तो ठाकुर जी ने ये विचित्र चरित्र यहाँ किया, श्री जी से उनका सदा प्रेम रहता, लेकिन यहाँ गवारों की तरह, ग्राम में गवारों की तरह ये चरित्र किया। तो ये विशेष चरित्र होने के कारण जहाँ हम लोग बैठे हुए सबला गांव, कृष्णकालीन नाम इसका चरित्र वन है, और वो चरित्र वन नाम इसीलिए हुआ कि चरितैर विडम्बयम, यहाँ ठाकुर जी ने सबको विस्मित करने वाला चरित्र किया, जिससे इस वन का नाम चरित्र वन हुआ। तो शौक की और यहाँ की दोनों लीलाएं आप लोगों ने संक्षेप में सुनी और अंत में कीर्तन किया। राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद Yeah.